हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब है नवरात्रि का फर्स्ट डे एंड हैप्पी नवरात्रि आप सबको। तो हमने अपने दिन की शुरुआत करी थी खीर से, क्योंकि हमने सोचा कुछ मीठा बनाया जाए, तो हमने शुरुआत की खीर से। उसके बाद शाम को हम गए मार्केट, क्योंकि हमें नवरात्रि के लिए जो वो चिप्स वगैरह होते हैं वो लाने थे चाय के साथ के लिए, तो हम लाए वो। और उसके बाद हमने बॉईल किए साथ में आलू, क्योंकि क्या होता है नवरात्रि में अगर आलू आपके पास बॉईल हैं तो आप उससे कुछ भी बना सकते हो उस टाइम पे। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम आलू कुछ बॉईल करके ही रख लेते, ताकि इंस्टेंट हमें कुछ बनाना पड़े तो हम उसको बना सकें। तो इसलिए हमने यहाँ पे कि आलू के लिए बॉईल करना स्टार्ट किया, जिसके लिए मैंने उसमें आलू वॉश करके डाल दिए, पानी डाल दिया था, साथ में डाला मैंने नमक। और एक चीज़ मैंने इसमें एक्स्ट्रा की थी, वो थी मैंने इसमें नींबू काट के डाला था। नींबू हम इसलिए डाले ताकि जो क्या होता है ना, पानी कई बार हमारा कुकर में वाइट वाइट सा हो जाता है, तो उसको अगर आप नींबू डाल दोगे उसमें तो फिर वो वाइट वाइट सा जो होता है पानी का, वो नहीं जमता, क्योंकि जब पानी बॉईल होता रहता है तो वो साइडों में आपने देखा होगा वाइट वाइट सा हो जाता है, तो उसको ना हो वो, उसके लिए हम इसमें नींबू डाल देते हैं। तो हम तो ये हमेशा करते हैं ये चीज़, तो इसलिए आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। एंड साथ में हमने रखी थी हमारी चाय बनने के लिए, क्योंकि हमें लग रही थी भूख, तो हमने सोचा चाय पीते हैं और साथ में जो हम स्नैक्स लाए हैं वो खाएंगे। तो यहाँ हमारी चाय बन रही थी और साथ साथ मैंने सोचा कि और दूसरे काम भी किचन के फटाफट निपटा लेते हैं, तो हमने साथ साथ वो काम भी किए। और वो काम जैसे कि थे कि कुछ सामान आया था हमारे घर में आज, तो हमने सोचा उसको क्यों ना अच्छे से सेट कर लिया जाए। उसमें नवरात्रों का सामान भी था एंड एक्स्ट्रा सामान भी था घर का, तो हमने सोचा उसको हम एक बार सेट कर लेते हैं। तो जिसमें हमने मखाने हैं, मूंगफली वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें तो क्या होता है हमें नवरात्रों में चाहिए होती है, मखाने हमें चाहिए हैं, मूंगफली भी चाहिए होती है खाने के लिए, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि उनको निकाल के प्रॉपरली सेग्रीगेट कर लिया जाए, ताकि ये काम साथ में ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी अब दिवाली आने वाली तो उसके ऑलरेडी बहुत सारे काम शुरू हो जाएंगे, तो फिर इसलिए फटाफट हम लोग इसको भी निपटा लेते हैं। इसको निपटाने के बाद जो हम व्रत का सामान लाए थे उसमें थे वो जो आलू के चिप्स आते हैं नमक वाले, वो तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, चाय के साथ तो बहुत मज़ा आता है उसे खाने में, तो हम वो चिप्स लाए थे साथ में। एंड साथ में था आलू का जो वो होता है ना लच्छा जिसे बोलते हैं, वो था। एंड साथ में थी मीठी वाली, खट्टी मीठी सी जो नमकीन होती है, मगर व्रत वाली, दूसरी नहीं, ये जो व्रत वाली होती है इसमें कुछ मखाने भी होते हैं एंड मूंगफली होती है, किशमिश होती है, आलू के जो लच्छे होते हैं वो होता है, तो ये काफ़ी खट्टी मीठी सी रहती है, तो मुझे थोड़ी सी मॉडरेट सी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती मुझे, पर ठीक रहती है खाने में। तो हमने सोचा चाय के साथ आज थोड़ा वो ही ट्राई करते हैं कुछ न्यू, क्योंकि मैं यूजुअली खाती नहीं हूँ इसको, तो हमने किया उसको ट्राई चाय के साथ। सबसे पहले मैंने बाकी सबको सर्व करी चाय, उसके बाद मैंने लास्ट में खुद के लिए निकाली थी। तो ये है हमारा डे वन ऑफ नवरात्रि। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो यार मेरे चैनल को, प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। एंड बहुत ही जल्द मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीशो हॉल लेके आने वाली हूँ, जो कि बहुत ही जल्द आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कुछ और न्यू हॉल्स भी हों, तो उसके लिए मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से हॉल्स चाहिए जो कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ। एंड कोई और सजेशंस हो वीडियो के लिए तो मोस्ट वेलकम इन कॉमेंट सेक्शन।